दोस्तों, अगर आप SBI के कस्टमर हैं, यानी आपका भी अकाउंट SBI में है, तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही SBI अपने यूजर्स को मैसेज कर रहा है और ट्विटर पे उसने घोषणा भी की है कि अगर आपका SBI अकाउंट में KYC नहीं हुआ है तो SBI आप सभी के अकाउंट को फ्रीज कर देगा, जिससे आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, KYC करवाने के दो तरीके होते हैं, पहला तो है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। दोनों तरीके के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको सिंपली प्रिंट करवा लेना है और प्रिंट करवाने के बाद नाम, नंबर, एड्रेस, फोटो, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड के जो फोटो है वो आप इसमें अटैच कर देंगे और ये जो फॉर्म है उसको आप पूरी तरीके से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद सिंपली आपको अपने बैंक अकाउंट के ब्रांच में जाके जमा कर देना है, उससे आपका जो KYC है वो डन हो जाएगा। और बात करें उन लोगों की जो ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं या फिर नहीं जा सकते, तो उसके लिए सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑनलाइन SBI। जैसे आप इतना सर्च करेंगे, ये जो पहली वाली वेबसाइट आती है इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो आपको यूजर नेम मिलता है, यूजर नेम आपको फिल करना है, पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल अपना कैप्चा जो है वो फिल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपसे कोई OTP मांगा जाता है तो आप सिंपली यहाँ पर दे देंगे, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे ये OTP आ जाएगा, आपको सिंपली फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये जो 3 लाइनिंग का ऑप्शन मिलता है ऊपर में, ये देखिए, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ई सर्विसेज का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन, पैन रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो मांगा जाएगा, जो कि आपने पहले यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। सिंपली आप यहाँ पर वो पासवर्ड फिल कर देंगे। जैसे आप पैन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ये देखिए, आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा है, नाम वगैरह शो हो जाएगा, आपको सिंपली इसको साइड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पैन रजिस्टर, तो यहाँ पर आप मेरा पैन नंबर देख सकते हैं जो कि पहले से ही रजिस्टर हो रखा है। लेकिन आपका अगर रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पर ऐड रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा और वहां पर आपको अपना जो पैन कार्ड है वो वहां पर डिटेल्स वगैरह देनी होगी। उसके बाद देने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है और यहाँ पर जो 24 घंटे का आवर्स आपको दे देना है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो पैन है वो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। और इतना करने के बाद फिर से आपको ये जो 3 लाइनिंग का ऑप्शन मिलता है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है माई अकाउंट एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का, ये देखिए, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा माई प्रोफाइल का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर आपका प्रोफाइल पासवर्ड दोबारा से मांगा जाएगा, ये आपको देना ही होगा। जब जब आप इधर से उधर जाएंगे यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड देना होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम माई प्रोफाइल में आ गए हैं। यहाँ पर आपको सारा जो डिटेल है वो यहाँ पर बताया जाएगा, आपका नाम, सिटी, एड्रेस, जो चीज लिंक है आपका अकाउंट में वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। पैन नंबर लिंक है या फिर नहीं वो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे आएंगे तो आपका जो आधार नंबर का ऑप्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा जो आधार नंबर है वो यहाँ पर लिंक हो रखा है। लेकिन हाँ, आपका KYC नहीं हो रखा होगा तो आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर अटैच नहीं होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। आपको यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका जो आधार नंबर है वो आपको वहां पर दे देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ईमेल ID यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, तो नीचे एक अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। वैसे ही अगर आपने आधार कार्ड यहाँ पर अपडेट नहीं किया होगा तो आपको आधार नंबर के नीचे एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको आधार का जानकारी दे देना है और सबमिट कर देना है और आपका जो पैन कार्ड है और जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा और लिंक होने के बाद आपका जो KYC है वो डन हो जाएगा। हालांकि इसमें टाइम लग सकता है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो KYC है वो डन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिएगा।